दोस्तों नमस्कार। आइए हम आपको एमसीबी कैसे लगाया जाता है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। वीडियो को हम चाहते हैं स्किप करना देखें, फुल वीडियो देखें ताकि अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हो सके। देखिए कैसे एमसीबी लगाया जाता है, कैसे इस मकान में कौन सा तार किस काम के लिए डाला गया है, आपको सब बताया जाएगा। जैसे कि देखिए ये नीला और काला तार आपका न्यूट्रल है, ये लाल तार जितना भी है हमारा सारा तार फेस है, ये सफ़ेद तार हमारा इन्वर्टर का तार है और हरा तार अपना अर्थ है। अब कैसे कहाँ पे कौन तार लगाया जाएगा ये आपको हम बता रहे हैं। ये न्यूट्रल हमारा जो है ये न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल हम जोड़ देंगे, जितना भी हमारा न्यूट्रल होगा यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए जोड़ रहे हैं, अब देखिए कि हमारा जितना भी न्यूट्रल है सब न्यूट्रल में न्यूट्रल लुक हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मोटा स्टार ले लिए हैं, मोटा स्टार हम यहाँ पे अपना जो मेन एमसीबी रहेगा और आइसोलेटर उसमें हम लगा देंगे। जैसे कि देखिए ये हमारा लग रहा है, अब इसमें हम क्या करेंगे अपना जो आइसोलेटर है वहाँ पे लगा दिया जाएगा जाता है ताकि न्यूट्रल पर भी हम एमसीबी गिर सकें। अच्छा मान लीजिए कहीं अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो न्यूट्रल भी गिर जाए। अब हम क्या करेंगे इसको कि बैठ जाए, अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे। देखिए न्यूट्रल हमारा ये जुड़ गया, अब क्या करेंगे इसके बीच में हम अपना एमसीबी यहाँ पे और यहाँ पे बैठा देंगे। अब एमसीबी कैसे बैठाया जाता है दोस्तों ये आपको बता रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे हम एमसीबी बैठा देंगे, एमसीबी उसी हिसाब से बैठा जाता है। जैसे देखिए ये हमारा खाना है, एक खाने में हमको चार एमसीबी, हमारे चार ही एमसीबी लगेगा, चार एमसीबी लगेगा, उसी हिसाब से एमसीबी बैठा जाता है ताकि मान लीजिए कि दिक्कत ना हो बाद में। अगर मान लीजिए कि कनेक्शन कर दिए ज़्यादा एमसीबी लगा करके तो अगर आपका बैठेगा नहीं एमसीबी तो बाद में आपका ढक्कन नहीं कसा पाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए उतना ही एमसीबी लगाइए कि जितना हमको ज़रूरत हो और जितना उसमें लग सके एमसीबी बॉक्स के ढक्कन में। देखिए हमारा एमसीबी फिटिंग हो गया, अब बगल में इसके फिर से हम एमसीबी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा एमसीबी ये सारा फिटिंग हो गया, न्यूट्रल तार अपना खूब बढ़िया से इसको बैठा दिया जाता है ताकि दिखने में सुंदर लगे। अब देखिए हमारा इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया, अब हम न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमको फेस का वायरिंग करना है, इन्वर्टर का वायरिंग करना है, अर्थिंग का अपना तार जो है वो जुड़ गया अर्थ में, अब हमको इसमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है ये आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा इन्वर्टर का तार है, इसका हम एक एमसीबी सेपरेट बनाएंगे इसलिए कि ताकि मान लीजिए किसी रूम में जैसे अलग अलग रूम से सर्किट आया हुआ है, किसी रूम में अगर मान लीजिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है चाहे कोई चीज़ खराब हो रहा है तो एमसीबी गिरे इन्वर्टर पर लोड ना पड़े। देखिए हमारा जैसे इन्वर्टर यहीं पर लगना है तो ये हमारा वही यही तार हमारा इन्वर्टर में से आएगा, इन्वर्टर का एक सेपरेट अलग ही सर्किट बना लेना चाहिए। जब वायरिंग करते हैं उसी समय हमको सेपरेट एक अलग से वायरिंग कर लेना चाहिए इन्वर्टर का, ताकि मान लीजिए कि हम सेपरेट अपना उसका इन्वर्टर का वायरिंग सर्किट अगर अलग से रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा ये इन्वर्टर का अलग ही एमसीबी हो गया, अब हमको क्या करना है इसको बढ़िया से टेप मार करके बैठा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा इन्वर्टर कैसे अलग हो गया, सेपरेट सर्किट हो गया, न्यूट्रल अलग हो गया, अर्थिंग अलग हो गया, अब हमको क्या करना है इसमें फेस डालना है, कौन सा फेस कौन सा कितने एमएम का तार किस एम्पियर कितने एम्पियर के एमसीबी पे लगाना है ये आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये हमारा 4 एमएम का तार है, इस तार को हम एसी का सर्किट डाले हैं तो इसको हम क्या करेंगे 32 एम्पियर के एमसीबी में लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा 32 एम्पियर का एमसीबी एक यहाँ पे है, एक 32 का यहाँ पे है और एक 32 का यहाँ पे है, तो ये तीन हमारा एसी का जैसे पॉइंट डाला हुआ है तो तीनों का हम क्या करेंगे 3 32 एम्पियर के एमसीबी पे लगा देंगे। ये हमारा एमसीबी एसी का पूरा हम कनेक्शन कर दिए थे, अब हमको क्या करना है लाइट का सर्किट का और गीजर का सर्किट का करना है कि गीजर का सर्किट किसने कितने एम्पियर में डाला है। ये हमारा देखिए ये गीजर का वायर है, गीजर का वायर को हम क्या करेंगे 20 एम्पियर में डाल देंगे। जैसे देखिए हमारा गीजर का वायर है, हम गीजर का वायर को अपना 20 एम्पियर में डाल देते हैं। हमारा जैसे मान लीजिए बाथरूम है, बाथरूम में हम
गीजर का पॉइंट दिए हुए हैं, इसको हम बाथरूम में हम अलग से एमसीबी डाल देंगे ताकि अगर गीजर में कुछ हो रहा है तो एमसीबी में ट्रिप हो जाए। अब हमको इसी में डाल दे रहे हैं, हमारा हो गया। ये हमारा लाइट का सर्किट है, तो लाइट का सर्किट हम क्या करेंगे, सारा एमसीबी जितना हमारा बचा हुआ है 10 एम्पीयर का 16 एम्पीयर का इसमें हम डाल देंगे। कनेक्शन फुल टाइट रहना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट होने का डर ना रहे। अगर आप कनेक्शन टाइट नहीं रखेंगे तो ब्लास्ट होने का और शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है, इसलिए सभी फुल टाइट करना चाहिए कनेक्शन को। अब देखिए ये हमारा एक पूरा सर्किट लाइट का सर्किट हम जोड़ दिए। आप पहले इसको खूब बढ़िया से टेप मार करके बैठा लेंगे हम ताकि दिखने में सुंदर लगे ऐसे। अब हमारा पूरा लाइट का सर्किट का पूरा कनेक्शन फाइनल हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमको इस एमसीबी में और ये दोनों हमारा एमसीबी है और ये भी हमारा है, ये हम तो लाइट का दे दिया, इन्वर्टर वाला दे दिया, ये जो बचा है इन सबका हमको कनेक्शन देना है। कैसे कनेक्शन देना है, इसका पत्ती आता है, कौन सा पत्ती आता है ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पत्ती आता है, आपको लगाया जाए, लगा के बताया जाए, यही पत्ती आता है, इसी पत्ती से हमको कनेक्शन कर, इसी पत्ती से हम कनेक्शन करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये पत्ती हम फंसा देंगे, इस पत्ती को फंसा देंगे तो चारों हमारा जो एमसीबी है एक फेस से हमारा लूप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसी में एक एमसीबी में से एक तार ले करके और इसको टाइट कर देंगे। अब कैसे टाइट करेंगे ये भी दिखा रहे हैं आपको, तार है इसी तार को हम कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, उसके बाद सर ऐसे ही सेम इसमें भी कर लेंगे, ऐसे ही सेम इसमें भी कर लेंगे। देखिए इसमें भी हम कनेक्शन दे रहे हैं, ये दोनों एमसीबी का हम तार यहाँ पे आपस में लूप कर दिए हैं। अब ये जितना भी तार है तीन हो गया ना, ये तार हम क्या करेंगे इस वाले हमारा जो आइसोलेटर है उसमें हम लगा देंगे। अब हमारा पूरा एमसीबी का कनेक्शन फाइनल हो गया। अब हमारा आइसोलेटर से हमको इस एमसीबी में कनेक्शन देना है, तो एक मोटा सा तार न्यूट्रल बनाने के लिए हम न्यूट्रल के लिए एक मोटा सा तार ले लेंगे और इससे हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए कैसे वो भी जोड़ा जाएगा, ये भी आपको दिखा रहे हैं। कम से कम इसमें भी मान के चलिए कि 10 एमएम का तार लगना चाहिए, 10 एमएम का तार नहीं होगा तो 4 एमएम का तीन तार नहीं तो दो तार हम डाल सकते हैं। न्यूट्रल ऊपर जोड़ दिए हैं, अब हमको न्यूट्रल इसमें जोड़ना है, दो तार इकट्ठा करके और दोनों तार को इकट्ठा करके इसमें लगा दिया जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि उसका वायरिंग कम्प्लीट हो जाएगा न्यूट्रल का। उसके बाद से हमको फेस न्यूट्रल देना है, फेस न्यूट्रल यहाँ से हम दे देंगे, इसमें से और इसमें से दे देंगे। बाहर से जो हमारा मेन पोल से आएगा चाहे मीटर से आएगा वहीं तार हम ले करके लगा देंगे। हमारा न्यूट्रल इसका फाइनल हो गया। अब हम यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से न्यूट्रल लेकर फेस न्यूट्रल ले करके इस मकान को हम लाइन देंगे। वो कैसे दिया जाएगा, कौन सा तार लगेगा ये भी आपको बताएंगे। 4 एमएम कम से कम 4 एमएम फिलहाल में, जैसे हमको टेम्प्रोरी में इसका लाइन चालू करना है तो 4 एमएम का तार हम लगा करके इसको लाइन को कंप्लीट चालू कर देंगे। फिर हमको जब हमारा ये मकान फाइनल हो जाएगा उस समय मीटर से तार ला करके और उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये हमारा जो अब है 4 एमएम का तार है, इसको हमको चालू करना है। कैसे हम चालू करना है इस समय फिलहाल में इस मकान में हमको लाइन नहीं मिला है तो हमको टेम्प्रोरी चालू करना है, तो ये टेम्प्रोरी हम चालू कर रहे हैं। अपना पूरा सर्किट फाइनल हो गया है, अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ करके तार को और यही तार हम ले जा करके जहाँ पे हमको जैसे जनरेटर से चालू करना चेक करना है उसी से हम लगा के अपना लाइन चेक कर लेंगे। देखिए हमारा फाइनल हो गया, अब हम क्या करेंगे इस तार से हमको लाइन दे देना है मकान का और उसके बाद से चेक कर लेना है एक एक पॉइंट कैसे कहाँ पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है।